हेलो फ्रेंड, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। आज का हमारा ट्रिप होगा भारत दर्शन पार्क। मैं आ चुका हूँ भारत दर्शन पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए, तो चलते हैं पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। इस भारत दर्शन पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए आप इस गाड़ी का भी यूज़ कर सकते हो। आई थिंक इसका कुछ चार्जेस 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और अभी चलते हैं, टिकट लेते हैं। टिकट का चार्जेस यहाँ पे देखें, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मेंशन है एवरीथिंग। 100 रुपया अडल्ट का चार्ज है एंड 150 आपको इवनिंग में 5:30 बजे के बाद चार्ज लगेगा। लाइट वगैरह जलता है तो इसका खूबसूरती और भी अच्छा लगता है ये पार्क। तो चलते हैं, टिकट कलेक्ट करते हैं यहाँ से, टिकट काउंटर से। गाइस, मैंने पार्क के अंदर एंट्री ले लिया है, चेक करें। एंट्री के साथ हमें मिलता है द लायन, ब्यूटीफुल, काफ़ी प्यारा। वेस्टेज मटेरियल का यूज़ करके लायन सामने बनाया गया है। इंडियन फ्लैग का डिज़ाइन दिया गया है। यहाँ पे देखें, टुक टुक लगी हुई, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो पार्क को विज़िट करने के लिए। सी MCD, मैनेज्ड एंड मेंटेन बाय MCD। चेक करें एंट्री के साथ हमें एक चीज़ और मिलती है, ये देखें गाड़ी छोटी सी। भैया, ये गाड़ी चलती है? ये चलती नहीं है, ये जस्ट यहाँ पे आप बैठ के फोटो वगैरह क्लिक करवा सकते हो। गाइस, सबसे पहले जो हमें दिखता है, चेक करें, और ब्यूटीफुल गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में सिचुएटेड है, और इसे हिंदुस्तान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। गाइस, मैंने गेटवे ऑफ इंडिया के बीच में हूँ, चेक करें। ऊपर देखें, रॉड का यूज़ किया गया है, वो आई थिंक डोम टाइप का शेप दिया गया है। एक वो सेट भी है, एक बीच में है और एक यहाँ पे है। सारा वेस्टेज मटेरियल का यूज़ करके इस पार्क को बनाया गया है। तो चलते हैं अभी आगे, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। गाइस, जैसे ही मैंने गेटवे ऑफ इंडिया से एंट्री किया है, चेक करें साइड में, दोनों साइड में फ्लावर लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा पाथवे बना हुआ है। और सामने एक ट्री दिख रहा है मुझे, बरगद का ट्री है आई थिंक वो, उसे भी वेस्टेज मटेरियल का यूज़ करके बनाया गया है। और फाउंटेन भी लगे हुए हैं यहाँ पे। गाइस, यहाँ पे चेक करें, वो छोटे वाले जो सिलेंडर होते हैं उसका यूज़ करके इसे बनाया गया है। सिलेंडर है, स्टीयरिंग व्हील है, काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ों का यूज़ करके, जो भी वेस्टेज हैं सबका यूज़ करके बनाया गया है। बाकी मोर इन्फॉर्मेशन चेक करें आप यहाँ पे, इस जगह पे भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इस जगह से सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आई थिंक एक सिटिंग एरिया है, बट यहाँ पर लाइट नहीं जल रहा है अभी। मेरे सामने चेक करें, हवा महल है, मैं जयपुर आ चुका हूँ। गाइज, यहाँ पे देखिए सिटिंग एरिया भी बना हुआ है, इस जगह पे आप बैठ के बिल्कुल सामने व्यू एंजॉय कर सकते हो, द ब्यूटीफुल हवा महल देखें आप। ये सामने एक टॉम टाइप का दिख रहा है मुझे, गोल गुम्बद टाइप का, देखें, चेक करते हैं क्या ये गोल गुम्बद ही है, देखें आप। और ये गाइस, गोल गुम्बद 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, और ये इंडिया का सबसे बड़ा गुम्बद है, और ये कर्नाटका में सिचुएटेड है। तो कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको रियल वाला भी एक्सप्लोर कराऊंगा।
गाइस, गोल गुंबद से जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, चेक करें मेरे पीछे द ब्यूटीफुल कुतुब मीनार। देखें आप, काफ़ी सुंदर है। यहाँ पे चेक करें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कुतुब मीनार के बारे में यहाँ पे मिल जाएगी। देख सकते हो कितने अच्छे ब्यूटीफुली डिज़ाइन सीटिंग एरिया, ऊपर से फ्लावर है, बहुत अच्छे यहाँ पे पॉट वगैरह लगे हुए हैं। और ये देखें आप, कुतुब मीनार तो बिल्कुल ओरिजिनल टाइप का ही लग रहा है। ये देखें, ये गेट भी यहाँ पे बिल्कुल बनाया गया है, और नज़दीक से आप देख सकते हो बिल्कुल ओरिजिनल वाला फील आ रहा है, ज़रा सा भी नहीं लग रहा है ये पुराना। ये लाइट की वजह से एकदम बिल्कुल ओरिजिनल फील दे रहा है आपको। बच्चे भी हैं इस पार्क में, तो आप भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस पार्क को विज़िट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे यहाँ पे लोकेशंस बने हुए हैं, आप बैठ के बिल्कुल व्यू एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। देखें आप, हॉट शेप भी दिया गया है, जिससे लाइक कभी ज़्यादा अगर दिन में अगर आप आते हो, गर्मी हो, तो सेट्स में आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो। बरसात हो सकता है तो वहाँ पर आप बैठ सकते हो। चेक करें, ये यहाँ पर कुछ बना हुआ है, देखें आप। नालंदा विश्वविद्यालय गाइस, ज्ञान का प्राचीन जगह था ये। ये दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। ब्यूटीफुल मीनाक्षी मंदिर, हमने इस तरह का मंदिर वगैरह साउथ के मूवी में देखा है, आपने भी देखा होगा। चेक करें, ये तमिलनाडु में ओरिजिनली सिचुएटेड है, और ये जो बनाया गया है ये भी वेस्टेज मटेरियल का यूज़ करके बनाया गया है। सारी इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे है, और इसे बनाने में 200 दिन लगे थे ये रेप्लिका बनाने में। और यहाँ पे घंटी भी आई थिंक दिया गया है, चेक करते हैं प्ले हो रहा है या नहीं। काफ़ी ज़्यादा साउंड है गाइस। चलते हैं अभी आगे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, रात का समय है, 8 बज रहा है। चेक करें, यहाँ पे फ्री ठंडे पानी की फैसिलिटीज़ आपको हर जगह जगह पे मिलेगी। इस पैसेज की गाइस खासियत ये है ना, चेक करें आप, दोनों तरफ ग्रीनरी, बिल्कुल ट्री लगाए गए हैं, और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी दिया गया है, और ऊपर सेट्स भी है कि धूप और पानी होती है तो उससे आप बचोगे बिल्कुल। इस एरिया में हमें एक यहाँ पर बद्रीनाथ टेम्पल मिलता है, अगेन सिटिंग एरिया व्यू को इंजॉय करने के लिए। मोहब्बत पैलेस मिलता है, मोहब्बत का मकबरा है ये, मोहब्बत खान 2, जो जूनागढ़ के आई थिंक नवाब होंगे। और ये चेक करें, चारों साइड जो ये मोहब्बत जो बिल्डिंग है, इसके चारों साइड में एक एक मीनार दिया गया है। देखें, इसमें घुमावदार सीढ़ी का यूज़ किया गया है, चेक कर सकते हैं आप, घुमावदार सीढ़ी। और ऊपर में बिल्कुल जो गुम्बद का स्ट्रक्चर ओनियन शेप का दिया गया है, बिल्कुल ओनियन टाइप का है, काफ़ी सुंदर है। अभी अवेलेबल अगर होगा, अगर जूनागढ़ का कभी ट्रिप लगता है तो ज़रूर मैं एक्सप्लोर करूँगा। फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा है, इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं था। ब्यूटीफुल ट्री। G20 सबमिट होने वाला है इंडिया में, कहीं पे भी आप जाओगे घूमने के लिए सब जगह पे ये लगेगा। ये देखें, चेक करता हूँ मैं ये किस चीज़ का यूज़ करके बनाया गया है। ये भी गाइस वेस्टेज मटेरियल का यूज़ करके ही बनाया गया है, इसे बिल्कुल कार्डबोर्ड का यूज़ करके बनाया गया है। ये देखें आप, कितने अच्छे ढंग से डेकोरेशन, काफ़ी अच्छा है, फूल पौधे आप देख रहे हैं। गाइज, इस सांची स्तूपा के बारे में मैं बात करूं अगर,
तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। और ये जो स्पेशली जो डिज़ाइन बनाया गया है ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, जो 3 ईसा पूर्व में बनाया गया था और ये अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया था। काफ़ी सुंदर है ये, अभी तक बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। मध्य प्रदेश में पहाड़ी इलाका में है ये गाइस। और यहाँ पे देखिए सिटिंग एरिया भी बनाया गया है, आप इसे बैठ के बिल्कुल व्यू को यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, द ब्यूटीफुल व्यू। चेक करें, इस जगह पे टॉय ट्रेन भी चलती है। और ये यहाँ से, यहाँ पे कैफेटेरिया का एरिया है, कैफेटेरिया के पास से ये लेके जाएगी आपको कुतुब मीनार तक, वहाँ से घुमा के लेके आएगी। बच्चों के लिए है, चेक करें आप। और इसका फेयर 100 रुपीज़ है, तो आप इसे देख के बच्चे इस पर इंजॉय कर सकते हैं। चेक करें यहाँ पे बड़े बच्चे भी झूल सकते हैं झूला। यहाँ पे सिटिंग एरिया बना हुआ है, यहाँ पे आप थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हैं झूले को भी। सामने देखते हैं चल के कैफेटेरिया कैसा है। चेक करें फूड कोर्ट के एरिया में, यहाँ पे ये टॉय वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, चेक करें ये बच्चों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, इसका भी कुछ फेयर होगा। चेक करें ये जंपिंग जापांक बच्चों के लिए, मतलब इंटरटेनमेंट के लिए भी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, बच्चे इंजॉय कर सकते हैं इस जगह को। चेक करें पेड़ के पास बिल्कुल अच्छे ढंग से डेकोर किया गया है, लाइट लगाई गई है यहाँ पे फूड कोर्ट में बिल्कुल। चेक कर सकते हो आप कितने अच्छे ढंग से बनाया गया है। बहुत अच्छा, देखें आप काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया गया है फूड कोर्ट के आउटडोर एरिया को, द बिग FM। देखें आप रेडियो बिल्कुल बनाया गया है वेस्टेज मटेरियल का यूज़ करके। सीटिंग एरिया काफ़ी अच्छे अच्छे हैं गाइज, यहाँ पे चेक करें आप। ये गांव में जो पुराने टाइम में चलती थी गाड़ी वो है, इसे बैठ के आप अपने फूड को इन्जॉय कर सकते हो। कितने अच्छे ढंग से बनाया गया है, चेक करें स्कूटर भी है, अब इस पर भी बैठ के फूड को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ बिल्कुल सेट्स बना हुआ है, इसके ऊपर देखें सब कुछ, एवरीथिंग गाइस, सब कुछ वेस्टेज मटेरियल का यूज़ करके बनाया गया है। ये टेबल हो या ये हो, देखें आप साइकिल का रिम यहाँ पे लगाया गया है, और बैठने के लिए टायर का यूज़ किया जा रहा है कलर करके उसे। और ये स्ट्रक्चर आई थिंक देखा हुआ मुझे लग रहा है, आई थिंक ये लाल किला है, चेक करें आप। जंग लगा हुआ है बिल्कुल। किचन के एरिया को देखें आप, ये सेल्फी मैंने ले ली आज। सब कुछ है गाइस यहाँ पे, आप मील भी एंजॉय कर सकते हो, ब्रेकफास्ट लंच एवरीथिंग। इतनी क्रिएटिव स्टाइल से बनाया गया है गाइस, द फूड साइकिल, साइकिल का रीम यूज़ करके आगे लिखा गया है द फूड साइकिल। नाउ गाइस अब हम कोलकाता आ चुके हैं विक्टोरिया पैलेस के पास, चेक करें। देख सकते हो विक्टोरिया पैलेस को कितने अच्छे ढंग से यहाँ पे बनाया गया है, इसी तरह का है, वाइट कलर का है, बट कोलकाता में सिचुएटेड है। पहले अपनी इंडिया की राजधानी दिल्ली नहीं कोलकाता थी, तो पहले जो भी अंग्रेज वगैरह या जो भी हाउस वगैरह था सब कुछ कोलकाता में ही था। कोलकाता आपने अगर विज़िट किया होगा तो वहाँ भी चेक किया होगा, आपने देखा होगा कि बहुत काफ़ी पुराने पुराने टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं वहाँ पे। दिस इज कॉल्ड हम्पी रथ, ये कर्नाटका में है, काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, ये पत्थर का बनाया हुआ रथ है। देखें आप आगे, आई थिंक दो जानवर भी बने हुए हैं यहाँ पे,
और ये उस तरह का फील दे रहा है जब बाहुबली मूवी में बाहुबली आता है, लेकिन वही वाला फील है। बट ये रियल में कर्नाटका में सिचुएटेड है। चलते हैं अभी आगे। गाइस फाइनली मैं पहुंच गया द इंडिया वंडर, चेक करें द ताजमहल, ब्यूटीफुल। गाइस इस जगह पे बैठ के ताजमहल को देखने का अपना एक अलग ही फील है। यहाँ पे बैठें आप, अगर अच्छा हवा चल रहा है, वेदर बढ़िया है, तो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सा एक सिनेमैटिक व्यू आपको यहाँ से मिलता है। आप बैठ के इंजॉय करें। गाइस मैंने ताजमहल को एक्सप्लोर किया, काफ़ी अच्छा व्यू, काफ़ी अच्छा लगा। फ़ोटो वगैरह मैंने क्लिक किया और रील्स वगैरह बनाया। तो चलते हैं अभी आगे, देखते हैं और क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। गाइस ताजमहल को एक्सप्लोर करके जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, मुझे सामने मैसूर पैलेस दिखता है। देखें आप, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। इस जगह पे बैठ के गाइस आप मैसूर पैलेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। शाही महल भी इसे कहते हैं। ये मैसूर कर्नाटका में अवेलेबल है। और ये चेक करें, काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्टिक चीज़ यहाँ पे बनाए गए हैं गाइस इस पार्क में, भारत दर्शन पार्क। मतलब इस पार्क में आके आप सारे इंडिया का जो भी मेन अट्रैक्शन है वो चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हो। सभी का रैप्लिका इस जगह पे बनाया गया है, आके आप एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। गाइस आगे घूमता हुआ मैं हैदराबाद पहुँच चुका हूँ। हैदराबाद की शान चार मीनार चेक करें आप। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गाइस, अंदर से चेक करें। बिल्कुल फ्लावर टाइप का डिज़ाइन दिया गया है। अभी सेंटर पे लाइटिंग वगैरह लगी हुई है, सब कुछ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये देखने में। देख सकते हो आप, एक घड़ी भी वहाँ पे बना हुआ। आई थिंक रियल में मैंने तो इसे नहीं देखा है, आई थिंक वहाँ पे होगा हैदराबाद में ये। अभी हमें आगे क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं चेक करें आप। चार मीनार, कोणार्क टेम्पल, अजंता एलोरा, खजुराहो टेम्पल, उसके बाद एग्जिट हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लाइक इंडिया गेट नहीं बनाया गया अभी। आई थिंक आई होप इन फ्यूचर उसे भी यहाँ पे बनाया जाएगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, बट कोई नहीं, सब चीज़ों को यहाँ पे धीरे धीरे इस्टेब्लिश किया जाएगा। अभी जस्ट 2 ईयर हुए हैं इसे ओपन हुए हुए। ब्यूटीफुल, चलते हैं अभी आगे गाइज। देखें यहाँ पे भी कोई स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, स्पार्क हो रहा है, काम चल रही है बिल्कुल। गाइज सामने हमारे कोणार्क मंदिर, द ब्यूटीफुल वन, इसे भी हमने मूवी में बहुत जगह देखा है। सामने अभी देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये उड़ीसा कोणार्क में अवेलेबल है, जिसे सूर्य मंदिर भी कहते हैं। तो चलते हैं अभी आगे, इसमें चक्के वगैरह लगे हुए हैं, देखें काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। ब्यूटीफुल लाइटिंग की वजह से तो गाइज काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अगर इस जगह को अगर प्लान करते हो एक्सप्लोर करने का, तो दिन में प्लीज़ आप ना करें, क्योंकि दिन में सब बिल्कुल मेटलिक चीज़ है, तो एक ही तरह का आपको फील देगा ये। रात में आओगे लाइट वगैरह जलेगा तो काफ़ी डिफरेंट वाइब होगा। ओ माई गॉड, स्लीपिंग मोड। गौतम बुद्धा यहाँ पे सो के मनन कर रहे हैं। यहाँ पे एक और मंदिर है आई थिंक, ये चेक करते हैं कौन सा है। सामने जो हमारे है ये अजंता एलोरा केव है, जो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, चेक करें द ब्यूटीफुल वन। और इसमें केव जो है गाइज, इसमें मोर देन 30 केव है इसके अंदर। आप अगर महाराष्ट्र एक्सप्लोर करते हो तो इस मंदिर के अंदर मोर देन 30 केव होंगे। इज इन अ स्लीपिंग मोड मेडिटेशन, चेक करें। यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा अजंता एलोरा के बारे में। यहाँ पे भी गाइज QR कोड दिया गया है, QR का आप इस्तेमाल करके मोर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो।
कलात्मक गुफाएं, काफ़ी पुराने टाइम का, 600 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व का उस टाइम का बना हुआ है। ये क्या है, ये भी एक यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, देखें आप, मेटालिक हाथी, ब्यूटीफुल वन। एंड चेक करें, इस पर लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट टच, बट मैंने इसे टच कर दिया है गाइस। देखें किस किस चीज़ों का यूज़ करके इसे बनाया गया है, देख रहे हो आप गाइस, काफ़ी इसमें आर्टिस्ट लोग लगे हैं जिन्होंने इसे बनाया है। काफ़ी लंबा समय लगा होगा आई थिंक इसे बनाने में, 6 महीना, साल भर, मोर देन 1 ईयर का तो टाइम लगा ही होगा इसे वेल एस्टेब्लिश करने में। चेक करें कितने अच्छे ढंग से डेकोर किया गया है सारा, लाइटिंग वगैरह साइड का देखें आप, पेड़ पौधे काफ़ी खूबसूरत, ये देखें। गाइस खजुराहो टेंपल के बारे में आपने सुना होगा, दिस इज़ द वन, खजुराहो टेंपल जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, इसके बारे में बहुत सुना है मैंने, काफ़ी पुराना है, ये भी 600 से 1000 ईस्वी पूर्व का है बनाया हुआ, काफ़ी पुराना, काफ़ी सुंदर, काफ़ी भव्य नज़ारा, बहुत अच्छा लग रहा है गाइस देखने में, देखें आप, क्लोजअप व्यू भी इसका काफ़ी प्यारा है, क्लोजअप से आप इसे इजीली देख सकते हो कि किन किन मटेरियल का यूज़ करके बनाया गया है। और बाकी यहाँ पे जो मेंशन होता है बोर्ड पे, इस पर भी सब कुछ लिखा होता है कि किस किस चीज़ों का यूज़ किया गया है बनाने में, देखें आप, कार्बन चेन, एंजल, बाइक इंजल, कल्चर प्लेंट्स, कंस्ट्रक्शन रोड पाइप्स, सारा इन्फॉर्मेशन होता है गाइज़ यहाँ पे, जो अभी बनाया गया है इसका भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, और ये जो ओरिजिनल है इसके बारे में भी सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। जितने भी आर्ट वगैरह इस जगह पे, जितने भी रेप्लिकास बनाए गए हैं सारी जगह पे, सिटिंग एरियाज है, आप बैठ के बिल्कुल यहाँ पे लाइट को, सोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो चलते हैं अभी आगे, आई थिंक अब हम एग्जिट होने वाले हैं, कुछ और अगर मिलता है तो ज़रूर मैं आपको दिखाता हूँ। चेक करें स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान। गाइस यहाँ पे हमारा भारत दर्शन का टूर ख़त्म होता है, यहाँ से हम एग्जिट होंगे। आई होप गाइस मेरे साथ भारत दर्शन करने में आप लोगों को मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।